जिस तरह गूगल टेक्निकल फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस देता है बिंक भी टेक्निकल फैक्टर्स को देखता है जिस तरह से हमारे पास गूगल के काफ़ी टूल्स अवेलेबल हैं बिंक ने भी काफ़ी टूल्स निकाले हैं जो कि लोगों को यानी कि वेब मास्टर्स को यानी कि जिनकी वेबसाइट्स हैं और जो वेबसाइट चलाते हैं उनको हेल्प करने के लिए टूल्स uh, अवेलेबल हैं बिंक के भी जिनका मैं रेफरेंस अभी आपको दूँगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल्स हैं आलमोस्ट uh, दोनों की अप्रोच टेक्निकली भी सेम है जो चीज़ें गूगल देखता है वो चीज़ें बिंग भी देखता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के तौर पे सब सर्च इंजन एक ही प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं क्योंकि कोई भी दुनिया में गूगल के लिए अलग और बिंग के लिए अलग वेबसाइट नहीं बनाएगा वो दोनों वो सब सर्च इंजन का यही कोशिश होगी कि जिस तरह से HTML एक इश्टमल एक स्टैंडर्ड है जिस तरह दुनिया में हर लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड बन जाता है ये भी एक स्टैंडर्ड के मुताबिक अपनी पैरामीटर्स डिसाइड करें अपने कंटेंट को अंडरस्टैंड करें ताकि वेबसाइट बनाने वाले को ये मसला ना हो कि बिंग इस चीज़ को किसी और तरह से देखेगा और जो गूगल है वो इस चीज़ को किसी और तरह से देखेगा तो वो जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट दोनों उस पर रिलाई करते हैं जिसमें ए जो कि एक्सेलेटेड मोबाइल पेजेस जो गूगल में आपको मैंने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी अब मोबाइल ऐसी स्पेशली उसमें गूगल भी बिंग भी उस पर रिलाई करता है तो कुछ फैक्टर्स मैं आपको बताया था हूं कि कुछ चीज़ें जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले तो इसका एक एस सी एनालाइजर के नाम से एक टूल है जब आप बिंग वेब मास्टर टूल में अपनी वेबसाइट रजिस्टर करते हैं तो आपको ये टूल अवेलेबल हो जाता है जो आपकी वेबसाइट को एनालाइज करता है एस सी से अब ये चीज़ गूगल ने प्रोवाइड नहीं की लेकिन बिंग ये प्रोवाइड करता है ये एक तरह से आपका एक एस टूल है आपको कोई पेड टूल बाय नहीं करना पड़ता इस टूल के तहत बिंग आपको खुद बताता है कि आप कौन सा टाइटल मिसिंग है कौन से कौन सी डिस्क्रिप्शन मीटिंग है मिसिंग है या उसमें और क्या क्या गलतियाँ हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है जैसे आप अपने बिंक में मैसेट टूल्स में रजिस्टर करेंगे आप बैंक पे रलाई करें ना करें लेकिन इस टूल को यूज़ करने के लिए कम से कम अपनी वेबसाइट जरूर आप इंडेक्स कर लेंगे ताकि आपको वो चीज़ें बिंक के परस्पेक्टिव से समझ आने लग जाएँ कि बिंक जो गलतियाँ निकाल रहा है अगर आप वो भी ठीक कर लें तो अल्टीमेटली गूगल के लिए भी आप वही चीज़ें ठीक कर लेंगे गूगल में काफ़ी हद तक ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं उसमें कुछ चीज़ें किसी डिफरेंट नाम से अवेलेबल हैं पर इस तरह से प्रॉपर एक एस एनालाइजर के नाम से गूगल एक टूल प्रोवाइड नहीं करता जबकि बेंग ये करता है इसके बाद एक एस सी ओ एनालर के अलावा गूगल बिंग जो है वो एक एस सी ओ रिपोर्ट के नाम से आपको एक डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है इस रिपोर्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं हाई लो मीडियम एरर बताता है और आपको ये बताता है कितने पेजेस में वो एरर एग्जिस्ट करता है तो बेसिकली ये एक और तरीका है बिंग का आपको हेल्प करने के लिए किन इश्यूज़ को वो नोट कर रहा है किन इश्यूज़ को आप फिक्स कर सकते हैं वो बाकायदा रिपोर्ट जनरेट करके देगा आप ये रिपोर्ट्स अपने लिए अपने क्लाइंट्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं इसको इसको वन बाई वन फिक्स कर सकते हैं अगेन अगर आप ये फिक्स बिंग के कहने पे करेंगे तो आप ये गूगल के लिए भी फिक्स कर रहे होंगे क्योंकि गूगल भी आलमोस्ट यही चीज़ें देख रहा है जो कि अगर बिंग को गलत नज़र आ रही हैं तो गूगल को भी गलत नज़र आ रही होंगी तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है इसके अलावा मोबाइल पर दोनों का फोकस है जैसे मैंने आपको गूगल के बारे में बताया कि मोबाइल वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस मोबाइल के ऊपर स्पीड गूगल का बड़ा मेन फोकस है लेकिन बिंग भी उसी तरह से आपको मोबाइल वो जो है मोबाइल फ्रेंडलीनेस का एक टूल देता है जो कि आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा है अगर आप इस लिंक पे जाएं और टेस्ट करें तो बिंक भी आपको ये बताएगा कि आपकी वेबसाइट में क्या मिसिंग है क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं ये काम अगेन आपने खुद नहीं करना या आप अपने डिवेलपर से काम करवाएंगे लेकिन ये काम उसको बताना आपने है सो तो आपने अपने डिवेल्पर को और डिज़ाइनर को मैनेज करना है क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस आपके आपकी जॉब के ऊपर अफेक्ट करेगी तो आपने ये टूल यूज़ करके उनको बता देना है कि गूगल में भी इश्यूज़ फिक्स हो गए हैं बिंग में भी इशूज़ फिक्स हो गए हैं अगर आप दोनों के इशूज़ आप फिक्स कर लेंगे तो अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट बड़ी एस फ्रेंडली और मोबाइल फ्रेंडली हो जाएगी जो कि दोनों सर्च इंजन में ऊपर आ सकती है उसके अलावा मैंने आपको रिश्सनेपर्स का स्टक्चर डेटा टूल गूगल में बताया था जो गूगल जब डेटा को स्टडी करता है उसमें एडिड इन्फॉर्मेशन जिसमें पर्सन या बिजनेस या रेसिपी जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी गूगल मैयर करता है बिंग भी सेम चीज़ें मैयर करता है क्योंकि दोनों बेसिकली स्कीमा डॉट ओ जो कि एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है स्कीमा टैक्स का या रिश्ते पर टैक्स का वो दोनों उसी पर रिलाई करते हैं सो so बिंग भी आपको एक मार्कअप वैली के नाम से वो टूल देता है जिसमें आप जाके स्कीमा टैक्स या अपनी दूसरी चीज़ें जो हैं वो आप मैयर कर सकते हैं अगेन uh, गूगल और बिंक आलमोस्ट सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्योंकि दोनों एक ही ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के ऊपर रिलाई कर रहे हैं जो कि स्कीमा डोट ओ के नाम से जाना जाता है फिर फाइनली एम पी जो है एक्सेलेटेड मोबाइल पेजेस जो कि गूगल के ऊपर हमने आपको बड़ा फोकस मैंने करवाया था कि आपने वो करना है अगर आप वो कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली बिंग पे भी वही चीज़ें आप ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे क्योंकि बिंग भी अल्टीमेटली वही चीज़ें ट्रैक करता है जो कि गूगल ट्रैक करता है क्योंकि दोनों बेसिकली एम जो कि एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसमें सारे पार्टी हैं उसके बोर्ड में या जो भी उसकी टीम है वो सब मिलकर ही एक टीम बनाकर एक स्टैंडर्ड डेवलप कर रहे हैं वो वो जो भी सिफारिश लेकर आते हैं जो भी वो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं वो सारे सर्च इंजन उसको फॉलो करेंगे गूगल की तरह बिंग भी जो है अल्टीमेटली एएमपी पेरी लाया करता है जो कि ऑलमोस्ट एक दोनों में सिमिलैरिटी है